सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां के पत्रकारों को पीटने, उनको फर्जी मुकदमों में घसीटने और उनसे तरह तरह का अत्याचार उनके ऊपर करने का ठेका ले रखा है। बीती रात उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक पत्रकार के साथ पुलिस ने ज्यादती की, उस पर जो जुल्म किया उसको लेकर के वो पत्रकार लगातार पुलिस से लड़ाई लड़ रहा है, अपने मुकदमे को दर्ज कराने के लिए मिन्नतें कर रहा है, लेकिन वो मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है और इंसाफ का रास्ता साफ नहीं हो रहा है। पत्रकार हैं मेरे साथ राहुल कादियान। राहुल इंडिया न्यूज़ के प्रोड्यूसर हैं और स्पोर्ट्स के माहिर जर्नलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन राहुल के साथ बीती रात क्या हुआ है यह राहुल की ज़ुबानी ही आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि पुलिस किस तरीके से कहीं भी आपसे टकरा सकती है, आपको खींच सकती है, पीट सकती है, रात भर थाने में रख सकती है, उसके बाद वो अपनी मर्जी से आपके साथ सलूक करती रहेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल, हुआ क्या था? सर, कल रात को एक पार्टी में, हम बर्थडे पार्टी थी बच्चे की, तो DLF स्पैश में हम वहाँ थे। वहाँ से निकल के जब मैंने मेट्रो, क्योंकि बंद हो गई थी 11 बजे के बाद, 11:30 का टाइम था, मैंने सोचा कैब करा लेते हैं, घर तक कैब से जाएंगे। मैं कैब बुक करा रहा था, कैब का वेट कर रहा था, तो इतने में अपोजिट साइड से, रोंग साइड से मतलब, दो पुलिस वाले आए जो उनकी पीली पल्सर होती है उस पर आए और एकदम साइड से स्पीड से निकाल के ले गए। मैंने उन्हें बोला कि, मैंने कहा भैया थोड़ा धीरे चलाइए, चोट मुझे भी लग जाएगी, आपको भी लग जाएगी, अगर हैंडल मुझे लगा आप भी गिरेंगे, आपको भी चोट लग जाएगी। तो कहते कि तू चौधरी मत बन, तू ये मत बन, ये कर देंगे वो कर। मैंने बोला भैया मैं पत्रकार हूँ, मैंने उन्हें आई कार्ड दिखाया। बस जैसे ही मैंने कहा कि उन्हें मैं पत्रकार हूँ, ये शब्द पता नहीं उन्हें क्या खलबली मची उनके अंदर, उन्होंने अपने और साथियों को बुलाया और फ़ोन किया लेने चले गए। अब वो वहाँ से चले गए तो मुझे लगा गए, मैं फिर से वापस पीछे मुड़ के और कैब का वेट, कैब की तरफ देख रहा कि इधर से कैब आ रही है, 3-4 मिनट मेरी कैब आ जाएगी। इतनी देर में पीछे से एक डंडा आया, सबसे पहले कोई बात नहीं, किसी ने कोई बात नहीं की, आने के बाद कुछ बात नहीं की, सबसे पहले डंडा लगा पीछे, उसके बाद मानो 6-7 लोग ऐसे मारने पे लग गए। एक मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त मेरे साथ थे, राजीव कुमार हैं, वो मीडिया में नहीं काम करते हैं, वो मेरे साथ थे, उनको तो इतनी गुम चोट लगी हैं पसली में कि उनसे उठा ही नहीं गया, वो उनको वहीं छोड़कर मेरे को पीटते हुए चौकी में ले गए। चौकी में ले जाने के बाद वहाँ उन्होंने मारपिटाई फिर शुरू कर दी कि तेरे को पत्रकार बनाते हैं, अभी तेरे को दिखाते हैं कि पुलिस क्या है, तू पुलिस को सिखाएगा। मतलब सर, मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं उन्हें हेलमेट पहनने के लिए टोक दिया, सिर्फ इसलिए, या इसलिए कि मैं एक पत्रकार हूँ। इन दो रीज़नों की वजह से उन्होंने पहले पुलिस चौकी में मारपिटाई की, फिर पुलिस चौकी से मुझे, 18 पुलिस चौकी से मुझे 20 सेक्टर 20 नोएडा का जो पुलिस स्टेशन थाना है, थाने में ले जाया गया, वहाँ बैठाया गया। सुबह तक मैं अपने फ़ोन की हालत दिखा दूँ आपको, ये फ़ोन पे डंडा लगा था तो ये फ़ोन मेरा टूट गया था, जिस वजह से मैं किसी से कोई संपर्क नहीं कर पा रहा था, किसी का नंबर याद था नहीं, तो थाने में बैठा रहा पूरी रात। फिर मैंने किसी पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करके, उन्होंने सुबह मेरे को अपना फ़ोन दिया, तो मैंने सुबह 5 बजे अपने घर फ़ोन किया, 6 बजे मेरा भाई लेने आया, तब वो मुझे लेके घर गया, तब तक पूरी रात मैं पुलिस स्टेशन में बैठा रहा। क्या गलती थी, अब इतने देखिए आप, ये हाथों पे निशान है, ये आँख पे निशान है इधर, और अब आप चोट के निशान देखिए, मुझे लगता है कि पूरे जिस्म पे है, अगर कपड़े हटाएं तो जगह जगह पर आपको लाल दिखाई पड़ेगा, वो बेंत के होंगे या बेल्ट के होंगे। राहुल जो कह रहे हैं इसको समझिए कि रात में कोई आदमी कहीं खड़ा है, उल्टी तरफ से दो पुलिस वाले बाइक से आ रहे हैं, हेलमेट भी नहीं लगा रखा है, रफ्तार में निकलते हैं, उनकी बाइक का हैंडल जो है इनके हाथ से टकराता है, ये कहते हैं भैया तुम क्या कर रहे हो यार, एक तो उल्टा आ रहे हो, हेलमेट नहीं लगाए हो, ऊपर स्पीड में हो, ठीक से चला करो। वो पलट के आते हैं, इनके साथ उलझ जाते हैं, उसके बाद वो फिर चले भी जाते हैं और जा करके वो दलबल के साथ आते हैं, अचानक पीठ पर उन्होंने डंडा चलाना शुरू किया, फिर घेर करके मारना शुरू कर दिया। यानी अगर आपको वर्दी मिल गई, आप पुलिस की नौकरी में हैं, तो किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी आदमी को घेर करके उसको मारने का लाइसेंस आपने ले रखा है, खुली गुंडागर्दी है, आप जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं, आप लाइसेंसधारी गुंडे हो गए हैं, किसी भी शरीफ नागरिक को कहीं भी घेर सकते हैं, गलती क्या है? और मारने के लिए आपने रात भर मारा एक आदमी को, लगातार एक आदमी रात भर हवालात में बैठा हुआ है, आखिर वो कह क्या रहे थे?
सर उनमें से जो एक था मेरे को लग रहा शायद शराब पी रखी थी उसने, पूरी पुलिस की वर्दी में तो नहीं था, जूते जो पुलिस के होते हैं, नाम याद है नीरज नाम है, पहला नाम याद है कि मैं नीरज हूँ, मैंने बोला कि अभी अब रात को आप जो कर रहे हैं अच्छा ठीक नहीं है, सुबह आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये मैंने कहा था कि जब मैं आपके खिलाफ एक्शन। एक मिनट रुकिएगा, ये जो नीरज नाम का आदमी है नोएडा के थाने के तहत आता है सेक्टर 20 के आसपास, सेक्टर 18 से 20 के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो रात में अगर चलते हैं या गार्ड्स दुकानों के बाहर रहते हैं उनको ये आदमी रात में किसी वक्त जाता है और पीटता है, बाइक से चलता है, टी शर्ट में रहता है, ट्राउजर नीचे पहन के रहता है और लगातार इस तरह की बदतमीजियाँ बदसलूकियाँ करता रहता है, वही आदमी आपसे भी टकराया था। बिल्कुल सर, और बार बार वो सिर्फ एक बात कह रहा था कि तेरे को पत्रकार बनाता हूँ, तेरे को पत्रकारिता समझाता हूँ, तेरे पुलिस अब तक तू पुलिस की हत्या चढ़ा नहीं है। मैंने कहा मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है आज तक जो पुलिस से मेरा पाला पड़े, ना मैंने चोरी की है कोई, ना मैंने कभी कोई डकैती की है, आज भी सिर्फ कल रात को मेरी गलती क्या थी, सिर्फ या उनको हेलमेट के लिए टोक दिया या मैंने कह दिया कि मैं पत्रकार हूँ, शायद सिर्फ ये दो वर्ड ऐसे थे जो उन्हें इतने चुभे, उसके बाद उन्हें लगातार सिर्फ यही बयान करते रहे कि तेरे को पत्रकार बनाते हैं, हम सिखाएंगे तेरे को पत्रकारिता, हम बनाएंगे तेरे को पत्रकार। पत्रकार होने का मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने जैसे आपने सांड के सामने कोई लाल रंग का कपड़ा दिखा दिया हो, वो अचानक पता नहीं उनको क्या होता है कि उनका पूरा रवैया बदल जाता है, खास करके नीरज और इनकी तरह के जो पुलिस वाले हैं वो। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको एक रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ, लोकसभा में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उसके जरिए एक आंकड़ा पेश किया गया था, इसमें कहा गया था कि जुलाई 2019 तक तमाम देश के राज्यों में जो पुलिस की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से मीडिया पर हमला हुए उनमें सबसे ज़्यादा हमले उत्तर प्रदेश में हुए। उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा हमले पत्रकारों पर या मीडिया पर होते हैं, पुलिस की तरफ से या बाकी दूसरी तरफ से। दो तीन घटनाएं तो मुझे अभी की याद हैं, शामली में आपको याद होगा कि एक पत्रकार जो है वो पटरी से ट्रेन उतरी थी उसको रिकॉर्ड कर रहा था, उसके बाद उसको बेरहमी से पीटा गया। अभी मिर्ज़ापुर में एक पत्रकार ने मिड डे स्कूल में मिड डे मील को लेकर के एक सवाल खड़ा किया था, उसका एक वीडियो था कि आप नमक और रोटी बच्चों को दे रहे थे, नमक रोटी देते हुए तस्वीरें उसने खींच ली थी, वो तस्वीरें बाद में मीडिया के जरिए देश के सामने आई और बवाल हुआ, उसके ऊपर आपने मुकदमा कर दिया। इस तरीके से दो चार और मामले हैं जिसमें पत्रकारों को घसीट करके उनके ऊपर फर्जी मुकदमे पुलिस ने डाले और फिर उनके साथ एक लंबी कानूनी लड़ाई उसने लड़नी शुरू कर दी। राहुल लगातार इस बात की कोशिश में है कि उनकी FIR दर्ज कराई जाए लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। सर अभी तक मेरा मेडिकल तक नहीं हुआ है, जो मेडिकल पुलिस वालों ने कराया था, रात को मेरे को हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर मेरे से कम भी 20-30 फुट की दूरी पर बैठा था, मेरे को एक चेयर पे बिठाया गया और वहीं से मेरा मेडिकल हो गया, कोई जांच नहीं हुई, डॉक्टर ने कुछ चेक नहीं किया, 20 फुट दूरी से कैसे मेडिकल हो सकता है, अब ये तो पुलिस जानती है या डॉक्टर जानता है जिसने किया है। उसके बाद मुझे वापस थाने ले जाया गया और फिर वहाँ मेरे को बिठा दिया गया कि अब तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहाँ बैठ, जब कोई घर से आएगा, मैंने बोला घर से कैसे आएगा कोई, फ़ोन टूटा हुआ है, फ़ोन किसी को करने दोगे तब कोई घर से आएगा। यानी आपने पूरे कानून को ठेंगे पर ले रखा है, डॉक्टर 20 मीटर दूर से आपका रिपोर्ट आपकी तैयार कर देगा, जो आदमी आपके साथ गया था उनका क्या हुआ? जो मेरे साथ राजीव मेरे फ्रेंड थे उनको पसली में इतनी तेज चोट आई है कि उनको रात को ही JP में इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया, अभी उनकी एक दो घंटे पहले छुट्टी हुई है शाम को, तो वो वापस घर पहुँचे हैं अपने, हालत उनकी अभी ठीक नहीं है, ठीक से अगर फ़ोन मिलाए तो बात भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि करें क्या, पुलिस के पास जाते हैं पुलिस सुन नहीं रही है हमारी, मेडिकल कराने में हॉस्पिटल गया सरकारी अस्पताल तो मेडिकल कहते हैं कि पुलिस जब तक FIR नहीं करेगी तब तक आपका मेडिकल नहीं होगा, अब पुलिस FIR कर नहीं रही है तो करे तो क्या करे सर? ये हालत होती है अगर आप पुलिस के चक्कर में आते हैं, पुलिस से पंगा पड़ जाता है आपका या पुलिस आपसे पंगा ले लेती है, वो इस तरीके से रात बिरात आपको घेर करके पीट देती है, उसके बाद आप चाहें कि आपको इंसाफ मिल जाए, आपका मुकदमा दर्ज हो जाए, FIR दर्ज हो जाए, तो फिर यह लोहे के चने चबाने जैसा मामला बन जाता है। लेकिन मेरी गुजारिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और DG से है कि कम से कम इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, एक शरीफ और स्थापित प्रोड्यूसर
जो टेलीविज़न में 10 साल 12 साल से लगातार अपनी मेहनत से नौकरी कर रहा है और देश के सामने बड़े और बुनियादी सवाल रखता है, उस प्रोड्यूसर के साथ अगर इस तरीके से कोई मामला हो सकता है या पुलिस इस तरीके से पेश आ सकती है, तो बाकी आम आदमी लोगों के साथ वो क्या कर सकती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, इसकी जांच की जाए, FIR दर्ज कराई जाए और जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।